हम बात करें तिहाड़ जेल की, तो तिहाड़ जेल दिल्ली के पश्चिमी क्षेत्र में, मतलब पश्चिमी हिस्से में ये जेल बना हुआ है, जो कि कुछ जगहों के आसपास है, जैसे कि सागरपुर, हरिनगर, जनकपुरी, डाबड़ी, और यहीं पर एक जगह आती है तिहाड़ विलेज, जहां पर ये जेल बनाया गया तिहाड़ जेल की। और तिहाड़ जेल जो कि तिहाड़ विलेज में जो स्थित है, वहां पर 1 से 9 नंबर तक के जेल सारे यहां पर स्थित हैं। हालांकि सभी कैदियों को यहां पर राशि वाइज रखा जाता है, राशि का जो पहला नाम है उसके हिसाब से देखा जाता है, पर फिर भी मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं कि राशि के हिसाब से ही रखा जाएगा। जेल का मैनुअल है, जेल खुद तय करता है, क्योंकि जेल जो होता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही मैनेज किया जाता है। दोस्तों, वैसे तो जेल को धरती का नर्क माना जाता है, और उसी नर्क में हम बात करें हिंदुस्तान में, तो तिहाड़ जेल नर्क है उन सभी लोगों के लिए जो भी कोई कैदी तिहाड़ जेल में जाते हैं। जेल का मतलब ये कभी नहीं है कि हर तरह की फैसिलिटीज आपको वहां मुहैया करा दी जाए और हर तरह से आप सुकून में ही वहां रह सके। अब बात करें क्राइम की, तो क्राइम सिर्फ और सिर्फ जेंट्स ही नहीं, मतलब मेल ही नहीं करते, क्राइम फीमेल मतलब महिलाएं भी करती हैं। उसी को देखते हुए ही अपने देश के तिहाड़ जेल में ही एक जेल बनाया गया, जेल नंबर 6, जिसके अंदर महिला कैदी को भी बंद किया जाता है। और यही जो क्राइम से लेकर जेल तक की यात्रा जो होती है, वो किसी भी कैदी को अलग अलग जेल में डालने के बाद खत्म होती है, जब उस किसी भी कैदी को जेल भेज दिया जाता है। बात करें एशिया के सबसे बड़े जेल की, जिसका नाम है तिहाड़ जेल, जिसको 1957 में बनाया गया। तिहाड़ जेल की जो पुलिस है वो भी अलग होती है। इसी तरह से क्या तिहाड़ जेल के अंदर इजीली सब सामान अवेलेबल हो जाता है? अगर आपको कुछ भी चाहिए तो किससे आप कॉन्टेक्ट करेंगे? साथ में ही कितने टोटल नंबर जेल हैं, कहां कहां पर जेल है दिल्ली में, और उन जेल में किस तरह से कैदियों को रखा जाता है? ऐसे कई सारे सवाल हैं आपके दिल में, उन सभी का आज जवाब देंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार। दोस्तों, हालांकि अपने देश में अलग अलग जगह पर बहुत सारे जेल हैं, उन्हीं में से सबसे बड़ा एशिया का जेल आता है तिहाड़ जेल। तिहाड़ जेल में हालांकि देखा जाए तो टोटल जो कैपेसिटी है लोगों को रखने की, कैदियों को रखने की, वो 10,000 है। पर दोस्तों, अगर हम बात करें 2019 दिसंबर की जो डाटा आया था, जिसमें बताया गया कि 17,534 टोटल प्रिजनर्स उस वक्त तक जेल में थे, मतलब कि लगभग डबल कैपेसिटी की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। उसी की दूसरी तरफ अगर हम जेल नंबर 6 की बात करें, जो कि महिला जेल है, उस महिला जेल में भी जहां पर 400 की कैपेसिटी है, वहां पर भी 478 कैदी उस वक्त मौजूद थे, मतलब वहां पर भी संख्या देखी जाए तो ज्यादा है। और इसी बड़ी तादाद की वजह से ही वहां पर अक्सर अलग अलग तरह की बीमारियां, संक्रमण फैलता रहता है। इसी वजह से ही अभी जब लॉकडाउन चला, तो लॉकडाउन के अंदर भी सभी लोगों को, जितने भी कैदी, उसके अंदर एक तय वक्त तक के और एक गाइडलाइन के तहत, जो कि HPC की आई थी, हाई पावर्ड कमेटी की, जिसके तहत की जो लोग अंदर जो जेल में बंद थे, सेट टाइम जो उसमें मेंशन था, और कौन कौन से वो अपराधी जो किस किस अपराध को करने के बाद जेल गए थे, उन सभी को एक तय वक्त के लिए छोड़ा गया जेल से और उन लोगों को रिलीज किया गया। अभी हम बात कर रहे हैं तिहाड़ जेल की। तिहाड़ जेल की अगर बात करें, जहां पर की बहुत ही फेमस लोग, जिन लोगों ने जेल काटी, जिसमें से कि छोटा राजन, लालू प्रसाद यादव, साथ में सुब्रत रॉय, या फिर हम बात करें चाल चौबराज की, या फिर ऐसे बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर्स जो कि अभी भी तिहाड़ जेल में इस वक्त अपनी सजा काट रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो तिहाड़ जेल में वैसे तो हर तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल है, पर आप इसको ये बिल्कुल ना समझे कि वो एक शॉपिंग मॉल है, या फिर जहां जाकर आप शॉपिंग्स कर सकते हैं, आराम से एक होटल की जिंदगी जी सकते हैं। ऐसा भी पॉसिबल शायद हो सकता है अगर आपके पास पावर है, पैसा है, रुतबा है। ऐसा अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा न्यूज चैनल्स पर, और देखा होगा न्यूज़पेपर्स में जो अक्सर हेडिंग्स आती हैं कि क्या क्या कारनामे घटित हुए तिहाड़ जेल में। दोस्तों, बात करें तिहाड़ जेल कहां पर स्थित है। हालांकि दिल्ली में 3 जेल है। 3 जेल कौन कौन सी है? तिहाड़ जेल है, साथ में रोहिणी जेल है, और मंडोली जेल है। हम बात करें तिहाड़ जेल की, तो तिहाड़ जेल दिल्ली के पश्चिमी क्षेत्र में, मतलब पश्चिमी हिस्से में ये जेल बना हुआ है, जो कि कुछ जगहों के आसपास है, जैसे कि सागरपुर, हरिनगर, जनकपुरी, डाबड़ी, और यहीं पर एक जगह आती है तिहाड़ विलेज, जहां पर ये जेल बनाया गया। अब हम जेल की अगर बात करें, अलग अलग नंबरों से इसको बांटा भी गया है, मतलब कि दिल्ली में अगर बात करें तो टोटल 15 जेल हैं अभी, जो 15 जेल चलती हैं, जिसके अंदर अलग अलग जगह के जो कैदियों को लाया गया है और साथ में यहां बंद किया गया है। दिल्ली में देखा जाए टोटल 3 जेल हैं, दिल्ली,
रोहिणी और साथ में मंडोली, जिसको नंबर्स में बांटा गया है। 15 टोटल ये नंबर है, जिसमें से कि अगर हम बात करें तिहाड़ जेल की, तो तिहाड़ जेल जो कि तिहाड़ विलेज में जो स्थित है, वहां पर 1 से 9 नंबर तक के जेल सारे यहां पर स्थित हैं। आपको किसी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि कोई भी अगर आपका जानकार सगा संबंधी दोस्त कोई भी किस जेल में है, तो आप सीधा अगर तिहाड़ जाएंगे, विंडो पर जाकर बोलेंगे, तो उसके नाम से सर्च करके बताया जा सकता है। क्योंकि जितने भी अपराधियों को लाया जाता है, ज्यादातर को उनकी राशि के हिसाब से ही जेल में रखा जाता है, फिर चाहे वो 6 नंबर लेडीज का जेल हो या कोई भी जेल हो। इसी के बाद में अगर हम बात करें 10वां नंबर जो जेल है वो रोहिणी में है, मतलब रोहिणी जो जेल है वो 10 नंबर है, और 11 से 15 नंबर तक की जेल जो है वो मंडोली में है। हालांकि सभी कैदियों को यहां पर राशि वाइज रखा जाता है, राशि का जो पहला नाम है उसके हिसाब से देखा जाता है, पर फिर भी मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं कि राशि के हिसाब से ही रखा जाएगा। जेल का मैनुअल है, जेल खुद तय करता है, क्योंकि जेल जो होता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही मैनेज किया जाता है। साथ ही जो जेलों में पुलिस लगी हुई है वो भी दिल्ली पुलिस नहीं होती है, दूसरे स्टेट की पुलिस है, जहां पर वो पुलिस की जो लैंग्वेज है तमिलनाडु पुलिस फोर्स है वैसे तो अंदर, जिसमें अगर बात भी आप करना चाहो तो वो क्या बोलेंगे आपको समझ नहीं आएगा, और क्या आप बोलना चाहें वो समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए उस फोर्स को यहां पर लगाया गया है। दोस्तों तिहाड़ जेल की एक बहुत बड़ी घटना है, जिसमें कि एक कैदी भाग गया था जेल से, जिसका नाम है शेर सिंह राणा। 2004 फरवरी में ये घटना हुई थी। और आप अगर इस जेल के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं, जेल में किस किस तरह से कैसे कैसे अंदर सब चीजें चलती हैं, एक बुक है ब्लैक वारंट, आप इस बुक को पढ़ेंगे बहुत कुछ आपको समझ आएगा। दोस्तों तिहाड़ जेल में हालांकि बहुत बड़े बड़े कैदी बंद हैं, बहुत बड़े बड़े वो नाम है खुद ही क्राइम की दुनिया के, या फिर हम कुछ ऐसा बोल दें कि वही उन सभी लोगों के लिए एक अड्डा है जहां से वो अपने गैंग्स को ऑपरेट करते हैं। अक्सर जो होती है घटनाएं हिंदुस्तान में, अक्सर जो मर्डर्स होते हैं, नई नई घटनाएं सामने आती हैं, उन सब में नाम अलग अलग तरह के लोगों का आता है, और जितने भी गैंगस्टर्स अंदर बंद हैं अक्सर उनके इशारों पर अलग तरह घटनाएं की जाती हैं। और दोस्तों जेल के अंदर अक्सर ये चीजें आम है, किसी का खून निकल जाना, मारपीट होना, हाथ पांव तोड़ देना, या किसी को ब्लेड मार देना, इवन मर्डर तक कर देना, ये अक्सर होता रहता है। और इन सब से बचने की गारंटी सिर्फ एक ही होती है, या तो आप किसी भी रसूखदार, कोई भी जो अंदर बंद है उसके जानकार हैं, उसको जानते हैं, पैसा है आपके पास या पावर है, तो आप शायद बच भी जाएं, वरना आपको इन हर तरह की बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा, इसका और कोई आपके पास उपचार है नहीं। जेल फिर चाहे कोई भी हो, हिंदुस्तान में हो या बाहर हो, कोई भी किसी भी जेल में जाना नहीं चाहता, बट कुछ हालात जिंदगी में ऐसी परिस्थितियों को पैदा कर देते हैं जहां पर कि आपके हाथ से कोई क्राइम हो जाता है, क्राइम किसी भी तरह का हो सकता है, और फिर यहीं से शुरू होती है जेल तक की यात्रा, और जो कि बहुत लोगों के लिए तो एक बहुत बड़ा लेसन सिखाती है, वो बाहर आकर सुधर कर और जिंदगी को बहुत ही सुकून से जीना चाहते हैं, और वहीं दूसरी ओर कई लोगों के लिए ये एक यूनिवर्सिटी का भी काम करती है, जहां से वो लोग क्राइम के अलग अलग सीख कराते हैं और बाहर आकर अलग अलग क्राइम को अंजाम देते हैं। कोई भी जेल हो दोस्तों, उस जेल के अंदर जो बड़ा कैदी है वो छोटे को दबाता है, हर तरह के अपने सभी काम उसी कैदी से करवाता है, और जितने भी कामों में मदद उसको चाहिए उन्हीं छोटे कैदियों से लेता है, और अगर जो कैदी ऐसा नहीं करते हैं तो उनके साथ मारपीट की जाती है। हालांकि इन सभी चीजों के बारे में सुपरिटेंडेंट को भी पता होता है, और दोस्तों मैं बता दूं जेल में अगर आपको कुछ बचा सकता है तो वो है पावर, पैसा और थोड़ा आपका रुतबा, अगर ये नहीं है तो आपके साथ बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिर चाहे जेल नंबर 6 हो जो कि महिलाओं का जेल है, या कोई भी जेल हो, सभी बीमारियों का यहां पर सिर्फ एक ही इलाज होता है, वो होता है पैरासिटामोल। मतलब किसी को भी प्रॉब्लम हो सिर्फ ये दवाई दे दो, खाओ और ठीक हो जाओ। हालांकि तिहाड़ जेल में खुद अपना एक हॉस्पिटल होता है, बट वहां पर इतने अच्छे उपचार आपको नहीं मिल पाते हैं, इतना अच्छा ट्रीटमेंट आपको नहीं मिल पाता है। और दोस्तों इसके अलावा बीमारी का तो एक ही इलाज है, पैरासिटामोल दे दी जाती है, और उससे आप ठीक हुए तो ठीक, वरना बाद में आपके वकील साहब एप्लीकेशन लगाएंगे, बाहर आपका ट्रीटमेंट कराने की गुहार लगाएंगे कोर्ट में, और कोर्ट ही लास्ट में आपका एक लास्ट उपचार और लास्ट ऑप्शन बचता है, जहां से आप बच सकते हो, निकल सकते हो, अपना इलाज करा सकते हो। जिस तरह से जेल धरती का नर्क है, उसी तरह से हिंदुस्तान में तिहाड़ जेल एक सभी उन कैदियों के लिए नर्क है जो बड़ा बड़ा नाम अपने पास रखते हैं, या फिर जो नए कैदी गए हैं जिन लोगों को खतरा है कि उनके साथ क्या हो सकता है, और बड़े कैदियों को खतरा होता है दूसरे गैंगस्टर से या दूसरे गिरोह से। लेडीज के साथ में ऐसी कई सारी समस्याएं, कई सारे प्रॉब्लम्स अक्सर सामने आती हैं जो आपको देखने को मिलती हैं, और आपका भी कोई भी सगा संबंधी जानकार अगर जेल में बंद है, कोई भी किसी भी तरह की मदद, सलाह, अगर जानकारी आप चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल को जरूर छोड़ना, हम कोशिश करेंगे आपके हर तरह के सवालों के जवाब देने की। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, जेल के बारे में किस मुद्दे को हम लोग छेड़ें,
उसका भी हमें इंतजार रहेगा। दोस्तों अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।